देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़ और स्वागत है आपका हमारी ताजा अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। इन दिनों लोकसभा 2019 चुनावों का दौर जारी है और यहां पर सभी राजनेता अपने अपने तरीके से अपने अपने हथकंडे अपना रहे हैं वोट बटोरने की। अलग अलग तरह की राजनीति चल रही है। ऐसे में बीते दिनों एक ऐसी खबर सामने आई जिसने लगभग पूरे देश में राजनीति के गलियारों में हलचल मचा कर रखा। जी आपको बता दें कि कांग्रेस के लिए की महासचिव और पूर्वी उत्तर प्रदेश की अध्यक्ष प्रियंका गांधी वाड्रा के बारे में लगातार ये चर्चाएं जोरों शोरों से हैं कि इस बार प्रियंका गांधी वाड्रा बनारस से कांग्रेस की उम्मीदवार होंगी। हालांकि अभी इस बात की पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन सारे इशारे जो हैं वो इसी ओर हैं कि प्रियंका गांधी वाड्रा इस बार बनारस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़ी होंगी। दरअसल आपको बता दें कि बनारस साल 2014 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सांसदीय क्षेत्र रहा है और कहीं ना कहीं बनारस जो है वो अब दो भागों में बढ़ जाएगा, जिस तरह से हमने प्रियंका की वोट रैली देखी है। और प्रियंका की वोट रैली ये दर्शाती है कि कहीं ना कहीं अब प्रियंका गांधी को लेकर भी लोग ये सोच रहे हैं कि प्रियंका गांधी को भी वो वोट बैंक दें। खबर ये भी थी कि साल 2014 में प्रियंका गांधी जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ना चाहती थी, लेकिन किसी कारणवश वो नहीं लड़ पाई। ऐसे में राहुल गांधी का जो डिसीजन होगा वो आखिरी डिसीजन होगा, ये बात भी सामने आ चुकी है कांग्रेस की तरफ से। बस साइन करने की देरी है। अगर प्रियंका गांधी बनारस से लड़ना चाहेंगी तो वो ज़रूर लड़ेंगी। अब क्या प्रियंका गांधी बनारस से लड़ेंगी और उसके समीकरण क्या होंगे, ये भी सोचना काफ़ी वाजिब है कांग्रेस के खेमों के लिहाज से अगर बात की जाए तो। बड़ी बात यह है कि जिस तरह की खबरें ये हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है मिर्ज़ापुर, इलाहाबाद और बनारस के आसपास सर्वेस करा रही है और इंटरनल सर्वेस से ये पता लग सकता है कि आखिरकार प्रियंका गांधी को लोग सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये इंटरनल सर्वेस आधार होंगे गरीबी को लेकर, किसानी मसलों को लेकर और प्रियंका गांधी के संसदीय क्षेत्र को लेकर। तो ये सारे सर्वेस जब आ जाएंगे इनके पास तो कहीं ना कहीं बनारस में अगर प्रियंका गांधी के फेवर में बात कही तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ सकती हैं। बनारस की बात की जाए तो हालांकि बनारस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी काफ़ी कुछ दिया है। नमामि गंगे प्रोजेक्ट लगा दिया, उसके बाद फ्लाईओवर्स बनवा दिए, अस्पताल की सुविधाएं मुहैया करा दी, लेकिन अभी भी GST और नोटबंदी की जो महामारी है वो अभी भी पूरा बनारस झेल रहा है। बनारस के अंदर के इलाकों में तो अभी भी ATMs में थोड़ा लाइन लगानी पड़ती है, लेकिन बाहर के इलाकों में तो बहुत बुरा हाल है। ATMs में हफ्तों तक पैसा नहीं होता, एकदम से पैसा डलता है और फिर वो ख़त्म हो जाता है। ज़्यादातर शटर जो है अगर आप जाएंगे रिमोट एरियाज़ में तो वहाँ डाउन मिलेंगे। किसानों के बारे में जो अभी जितनी सरकारें बात कर रही हैं, किसानों को लेकर अभी भी किसी सरकार ने एक स्पष्ट बात नहीं की, एक बड़ी बात नहीं की है। तो कहीं ना कहीं अब भारतीय जनता पार्टी के लिए भी एक बड़ी जो है चिंता का विषय है अगर यहाँ पर प्रियंका गांधी वाड्रा लड़ जाती है तो। सवाल ये भी है कि क्या यहाँ पर प्रियंका गांधी वाड्रा जो हैं वो बनारस से लड़ती हैं तो वो क्या वो वोट बैंक खींच पाएंगी और किस तरह से वोट बैंक खींचेंगी, इस पर भी चर्चा करनी बड़ी ज़रूरी है। दरअसल बनारस से अगर प्रियंका गांधी वाड्रा लड़ती हैं तो महिलाओं का सपोर्ट उनकी तरफ पूरी तरह से चला जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो एक तानाशाही रवैया है, जो भारतीय जनता पार्टी का तानाशाही रवैया चल रहा है, तो ये रवैया जो है ये ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाएगा। फिर आपको सोचना पड़ेगा कि आप आखिर किस तरह की राजनीति करना चाहते हैं, क्योंकि जिस किस्म की राजनीति अभी हम देख रहे हैं, लगातार आरोप प्रत्यारोप लगने का दौर जारी है। आजम खान ने जयाप्रदा के खिलाफ ऐसी घिनौनी बात कही है जो हम शायद नहीं सोच सकते। तो ये सारी चीज़ें दर्शाती हैं कि अभी भी जो है सोचा जाना बहुत ज़रूरी है और यही सच आपको आगे भी देखना होगा, बहुत ज़रूरी है। फिलहाल 23 मई को ये पता लगना है कि आखिरकार राज तिलक किसका होगा, किसकी सीटें ज़्यादा आएंगी, लेकिन प्रियंका गांधी ने हिला कर रख दिया है भारतीय जनता पार्टी की खेमों को, हिला कर रख दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। अब अगर ये बात पुख्ता तौर पर कांग्रेस की तरफ से सामने आ जाती है, क्योंकि कांग्रेस लगातार सरप्राइज देती चली जा रही है। राहुल गांधी और सोनिया गांधी को जो रिस्पॉन्स मिला अमेठी और रायबरेली में, उसी तरह से का रिस्पांस और उससे बेहतर रिस्पांस भी देखने को मिल सकता है बनारस में, क्योंकि बनारस में हम ये कह सकते हैं कि अगर माँ गंगा का नाम लेके, बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद लेकर आपने अगर कुछ भी मांगा है तो लोगों ने आपको इनकार नहीं किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी पहली बार इलेक्शन का टाइम था वो बनारस से, लेकिन उसके बाद वो बनारस से जीते। हालांकि उस दौरान मोदी लहर ज़रूर थी, लेकिन फिलहाल प्रियंका लहर बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अगर प्रियंका गांधी वाड्रा लड़ जाती बनारस से तो ये फिर एक बड़ा
झटका आप दे सकते हो भारतीय जनता पार्टी को, बड़ा झटका दे सकते हो आप बाकी खेमों को। तो अब देखना होगा कि क्या यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जो है ये इनको प्रियंका गांधी के एड्रेस, प्रियंका गांधी वाड्रा के आने से नुकसान होता है या फायदा होता है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ये बात जानते हैं कि प्रियंका अगर आती हैं तो फिर आपको एक बड़ा झटका लग सकता है। बड़ी बात यह है कि फिलहाल गठबंधन से भी बातचीत चल रही है, क्योंकि अभी तक अगर गठबंधन की बात करें, महागठबंधन की, तो समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार उतारने की बात कही गई है, लेकिन सभी समाजवादी पार्टी ने अभी तक उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। तो हो सकता है प्रियंका गांधी को ये सीट चली जाए। देखना है कि बनारस का दंगल और क्या नए नए मोड़ लेता है। फिलहाल हमें दे दीजिए इजाज़त, और हाँ, हमारे चैनल SPN9 न्यूज़ को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।